देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आंखें उठा के तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आंखें उठा के तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आंखें उठा के तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आंखें उठा के तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, आंखें उठा के तो देखो कैसे शान से मसीहा रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा है, पहला विश्राम। यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी येसु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा।
यह रहा राजा का साहित्य और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। हे यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु तूने क्रूस पर अन्यायपूर्ण प्राणदंड की आज्ञा ग्रहण की। तेरे इस प्रेम के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा की जय हो। अरे, बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राज मुकुट। देखिए ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों के खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। हे यीशु मेरे गुरु, तूने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं तेरा शिष्य होना चाहता हूँ। मैं आत्मत्याग और दुखों का क्रूस धीरज के साथ ढो सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो
कांटों की राह पर। यीशु के पांव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही। यीशु के पांव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही। ना कोई अपना ना ही पराए देने सहारा तुझे। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे कोई इसे समझाओ, कलवारी अभी बहुत दूर है। वक्त खोटा मत करो, ये नाटक कर रहा है, नाटक। लगाओ दो कोड़े और इसे चलता करो। लोगों को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने। चल चल, थक गए, ये ले। ये कैसा भद्दा मजाक है जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपादानों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जिलाया, भूखों को खिलाया, व्यभिचारिणियों को गले लगाया, ऐसे करुणाकर के साथ इतना अमानवीय व्यवहार। सच है प्रभु, आपका जिस्म तार तार है लेकिन जीवटता अपरंपार है। आपकी लहूलुहान आंखों में आतताइयों के प्रति केवल और केवल प्यार है। यही गुरु मंत्र है, मसीही जीवन का सार है। हे निर्दोष यीशु, मेरे कारण मुझे पाप से बचाने के लिए तूने इतने दुख सहे। तू क्रूस के बोझ से उतना नहीं जितना मनुष्य के पापों के बोझ से थक कर नीचे गिर पड़ा। मैं भी तेरे खातिर अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा, तेरी आज्ञाओं का मधुर जुआ मैं साहस पूर्वक ढो सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। तुझ सा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। तुझ सा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल की तीरों की यातना, मेरे गुनाहों को तेरी दया से धो डाल है प्यारी माँ। रोती
रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। बेटे, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है, अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की। जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया, आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे तिल तिल मरते देखने को मां मरियम मजबूर है। हे दुखमयी माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखा। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहज स्वीकार कर सकूं। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तू आनंद से। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तू आनंद से। दुखी को देते तू ही दिलासा, क्रूस तेरा नमन। तेरी सूली ढोने का वरदान देना हमें तू सदा। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। पांचवा विश्राम। सैनिक किरीन निवासी सीमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए
बाध्य करते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूस ढोवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। ए, क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। चलो चलो। जी जी जी। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सिमोन नामक क्रीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखा कि कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे तेरे नाम के कारण आए दुख सहना है। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। लहूलुहान चेहरा आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल येसु का। लहूलुहान चेहरा आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल येसु का। दूतों को देते आनंद येसु स्वर्ग का सच्चा आनंद, दूतों को देते आनंद येसु स्वर्ग का सच्चा आनंद। ताबोर पर्वत पे येसु का चेहरा चमका था सूर्य समान, अब ना रही वो कांति तेरी हे मेरे प्यारे प्रभु। लहूलुहान चेहरा आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल येसु का। छठवां विश्राम। वेरोनिका येसु को अंगोछा देती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं,
क्योंकि तूने अपने पवित्र दुग्धों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। चेहरा पोछती है। चल पीछे हट। मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, वो चेहरा अब पहचानने योग्य भी नहीं रहा। उस चेहरे की अलौकिकता को पहचाना यीशु की परम शिष्या वेरोनिका ने। वो बर्बर सैनिकों की भीड़ में अंजाम की परवाह किए बगैर मसीह का चेहरा पूछती है। वेरोनिका ने प्रभु यीशु को कुछ पल का सुकून दिया। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसे ही जरूरतमंद चेहरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हे यीशु, इस स्नान संस्कार में मैंने तुझे धारण किया है, मुझ पर तेरी एक अमिट छाप है, तूने मुझ पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई है, मुझे साहस एवं शक्ति दे कि मैं इस बुलावे के अनुसार विनम्रता, सौम्यता तथा सहनशीलता का आचरण। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो येसु क्रूस लिए। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो येसु क्रूस लिए। है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से, क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से, मानव के पापों ने तुझको सताया, दर्द ही दर्द दिए, पापी मैं आया तेरी शरण में, कर दे मुझ पे दया। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो येसु क्रूस लिए।
सातवां विश्राम। यसु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा। यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा। फिर लुढ़क गया। ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। दया का नामो निशान नहीं, सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। हे प्रभु यीशु, सैनिक लोग तुझे सड़क पर गिरा देखकर भी दया नहीं करते, बल्कि लात मारते और क्रूस उठवाते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप करने के कारण तुझे दुख व निंदा सहनी पड़ती है। हे प्रभु, क्षमा कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। रोती कलपती स्त्रियों को यीशु, तूने दिलासा दिया। आफत से मुझको तू ही बचाना, करते हम तुझसे दुआ। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु, ये क्या हो गया? प्रभु, ये क्या हो गया? पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है
तो सूखे कर क्या होगा। रोने बिलखने और दया याचना करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्नकर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस कथन को उन्होंने चरितार्थ किया। हे दयालु यीशु, मैं तेरे दुखों और अपने पापों पर रोता हूँ, मुझे क्षमा प्रदान कर, क्योंकि निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू मुझ जैसे पापियों को ही बुलाने आया है। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम येसु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम येसु गिरते हैं तीसरी बार। हे मेरे येसु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। हे मेरे येसु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। त्यागा है तुझको तेरी प्रजा ने, पीड़ित किया तुझे, जिनसे मिली जीने की आशा उनको दिए हम सलीब। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम येसु गिरते हैं तीसरी बार। नौवा विश्राम, येसु तीसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। महाराज हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और शक्ति बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है, लगा दो चार कोड़े और उठा इसे। ये कैसी मोहब्बत है, एक और दुनिया बनाने वाला है और दूसरी तरफ कहर बरसाते दुनिया वाले हैं। प्रभु के लिए वेदना अब असहाय हो चली है, घुटने जवाब दे चुके हैं, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है, किंतु शारीरिक कमजोरी मसीह के आत्मीय बल को कहीं कम नहीं करती। वो राहें सलीबी चल पड़ते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू इतना निर्बल क्यों हो गया कि अपना क्रूस नहीं उठा सका और भूमि पर फिर गिर पड़ा। हाय, यह सब मेरे पापों के कारण हुआ, जिनका बदला तूने देना चाहा।
मैं घुटने टेक कर तुझसे क्षमा मांगता हूँ। आमीन। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। आपस में बांटे तेरे कपड़े बेरहम प्यादों ने, तेरे पावन आत्मा का परिधान पहना दे हमको प्रभु। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। दसवां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। शाबाश, बहुत दम है, अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना कील ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। कलवारी टेकरी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयता पूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हे प्रेमी यीशु, बपतिस्मा संस्कार में मैंने तुझे ओढ़ लिया है, अपने समान मुझे भी पाप से घृणा और ईश्वर का प्रेम भर दे, कि मुझ में मैं नहीं तू ही जीवित रहे। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने।
यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने, यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने, मन की पीड़ा ये दर्द सारे सहने की शक्ति नहीं, अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नजदीक, क्रूस पे लिटा दिए कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। ग्यारहवां विश्राम, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा, सूली पर सो जा। मजा आया, ये लो। देखो तो कैसा फड़फड़ा रहा है राजाओं का राजा, पांव कैसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं, अभी खत्म किए देते हैं कप कपी। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा, आपकी एक एक आह, आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों के खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा, कुछ न कहा, दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है, ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। हे मुक्तिदाता, तूने कहा था जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सबको अपने पास खींचूंगा। बहुत से लोग ना तो तुझे अब तक जानते ही हैं और ना तुझसे प्रेम ही करते हैं, कृपया उन्हें भी अपनी ओर खींच ले ताकि वे तेरे क्रूस के पुण्य फलों के भागी होकर अनंत सुख प्राप्त कर सके। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गोशाले, चिड़ियों का घोंसले, पशुओं का है घर गोशाले, चिड़ियों का घोंसले, किंतु नहीं है तिल भर जमी भी यीशु के तन के लिए। बेथलहम चरनी कलवारी चोटी तक निर्धनता पीछा किया, दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ,
यीशु ने प्राण दिए। बारवा विश्राम, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। पर यहूदियों के राजा, नीचे आ जा। कहां गई स्वर्गीय दूतों की? वे यीशु को ले गए, बुला और बुला उन्हें आसमान से। तब माने कि तू वास्तव में जगह नामक स्थान पहुंचे। हे पिता, इब्रानी में उसका माफ गोलगोथा है, क्योंकि वहां उन्होंने ये नहीं जानते और उनके साथ कि ये क्या दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, भद्रे को उनके दाएं और ये आपका पुत्र है उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता उनका एली लेमा को बचाया। सभा खत्म। ईश्वर का मति और परंतु है जो सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ए मंदिर ढाने वाले और तीन दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य योहन को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं।
इसलिए उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग येशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं, लेकिन प्रभु आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से ले सके और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सके। प्रभु यीशु, तूने मनुष्यों के लिए सब कुछ दे डाला, यहाँ तक कि अपने प्राण भी। तूने अपने शत्रुओं को भी क्षमा दी। कृपया मुझे भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के अंत तक पूरी करने का साहस और अपने प्राण तेरे चरणों में अर्पण करके मरने की कृपा प्रदान कर। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को हुई थी भविष्यवाणी, तलवार दुधारी छेदेगी दिल को हुई थी भविष्यवाणी। देने दिलासा बनने सहारा कौन है तेरे साथ, जीवन की आहों में जीवन की चाहों में तू ही राह दिखा। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। येसु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, येसु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। येसु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, येसु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। तीन दिन रहे जो मछली के अंदर
योना नबी के समान। तीन दिन रहे जो मछली के अंदर, योना नबी के समान। दुखों की कब्र को तोड़ के यीशु आएंगे तीसरे दिन। स्वर्गीय महिमा से तेरे दर्शन करने का दे वरदान। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। चौदवा विश्राम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटी के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। मौत जीवन की कहानी का अंत नहीं है, मौत पुनरुत्थान का एक माध्यम मात्र है, दिव्य नव जीवन की शुरुआत है। मसीह ने जीते जी कहा, इस मंदिर को उठा दो, तीन दिन में मैं उसे फिर खड़ा कर दूंगा। और मसीह ने अपनी कथनी को तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर सत्य सिद्ध किया। पुनरुत्थान ही मसीह जीवन की मूल आस्था और विश्वास है। हे यीशु, तेरा शरीर केवल तीन ही दिन कब्र में रहा, तब तू अपार महिमा में जी उठा। इस प्रकार मानव जाति का मुक्ति कार्य अर्थात तेरा दुःख मरण एवं पुनरुत्थान पूर्ण हुआ। बपतिस्मा द्वारा तूने मुझे इस रहस्य में आध्यात्मिक सहभागिता प्रदान की है। अंतिम दिन मेरे शरीर को जिलाकर मुझे अपने अलौकिक गौरव में सहभागिता प्रदान कर। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए आपने बहुत दुख सहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं।